भारतीय मानक ब्यूरो BIS को भारत सरकार द्वारा मानकीकरण और प्रमाणन के माध्यम से देश में एक मजबूत गुणवत्ता वाला परितंत्र बनाने का काम सौंपा गया है। इस शासनादेश के लिए BIS ने स्कूलों और कॉलेजों में मानक क्लब बनाने की अवधारणा के साथ इसकी शुरुआत की है, जिसकी सहायता से कम उम्र में ही छात्रों को मानकीकरण और गुणवत्ता की अवधारणाएं बताई जाती हैं। BIS ने 2021-22 के अपने पहले वर्ष में पूरे भारत में 1037 मानक क्लब स्थापित किए हैं। इस नए प्रयास की क्षमता और सफलता को महसूस करने के बाद 2022-23 के अंत तक महत्वाकांक्षी रूप से 10,000 क्लब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मानक क्लब के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य मानक क्लबों के माध्यम से कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के विज्ञान के छात्रों को छात्र केंद्रित गतिविधियों की मदद से गुणवत्ता और मानकीकरण की अवधारणा से अवगत कराना है। बच्चों को जिन मूल्यों से अवगत कराया जाता है वे उनके प्रारंभिक वर्षों में उनके युवा दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं और एक बल गुणक के रूप में काम करते हैं जो राष्ट्र के भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। मानक क्लब की संरचना और गतिविधियों की बात करें तो प्रत्येक मानक क्लब में एक विज्ञान शिक्षक इसके सलाहकार के रूप में और इसके सदस्यों के रूप में कम से कम 15 छात्र शामिल होते हैं। BIS मानक क्लब के सलाहकारों के लिए 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन करता है, जिसमें उन्हें मानक और गुणवत्ता की अवधारणाओं, सलाहकार के रूप में उनकी भूमिका तथा अपेक्षा और अलग अलग छात्र केंद्रित गतिविधियों से परिचित कराया जाता है। अब तक लगभग 1,000 सलाहकारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ऐसे स्कूलों ने मानक क्लबों के तत्वाधान में प्रश्नोत्तरी, मानक लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन आदि जैसी गतिविधियों का संचालन भी शुरू कर दिया है। मानक क्लब के छात्रों ने छोटे वीडियो, स्क्रिप्ट, इंस्टाग्राम पेज भी बनाए हैं जो मानकों और इसकी व्यवहारिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। 2022-23 में 10,000 मानक क्लब खोलने के वर्तमान लक्ष्य को प्राप्त करने में BIS अखिल भारतीय आधार पर स्कूलों और कॉलेजों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क स्थापित कर रहा है। पहले ही 1,755 से अधिक मानक क्लब बन चुके हैं और कई अनुमोदन के अपने अग्रिम चरण में हैं और वर्तमान में 43,000 से अधिक छात्र इन मानक क्लबों के सदस्य हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।